हाँ जी, हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। प्लीज़ इग्नोर पीछे लटके हुए कच्चे बनियान, धूप नहीं आ रही तो कपड़े सारे हॉल पे लटके हुए हैं, अब क्या करें, हैं तो हैं। ओके, सो मेरे को आपको कुछ चीज़ें दिखानी थी। सो ये बनाया मैंने मिट्टू के लिए, ये क्यूट सा टॉप और ये बॉटम। इस पर अब मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ करूँ इसको क्यूट बनाने के लिए। ये पर्ल की मेरे पास माला है, थोड़ा बहुत लगाऊंगी तो अच्छा दिखेगा। और ये वही कपड़ा है जिसका मैंने अपने लिए ड्रेस बनाया था। और एक ये बनाई है फ्रॉक, छोटा, ये बहुत बहुत कम कपड़ा था, जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के। एक्चुअली मैं यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते नहीं हैं, वरना मैंने सोचा था मैं उसके लिए अलग अलग कुछ कुछ बनाऊँगी, बट ये बचे हुए कपड़े थे तो उसको जोड़ जोड़ के ये मैंने यहाँ पर फ्रिल लगाई है। ऐसे बैक में भी ऐसी फ्रिल लगाई है, दिखाती हूँ आपको, बैक में और फ्रंट में दोनों में फ्रिल लगाई है। तो ये कुछ ऐसे बने हैं। अब इसकी फिनिशिंग करते हैं, इसमें कुछ पर्ल वगैरह लगा के इसको डिज़ाइन करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। बट ये बना बहुत क्यूट है। फाना और एक यूपी के कोई थे, उनको हमने खिलाया था, उनके बच्चे बोलने लगे सीमेंट वाली दाल। सीमेंट वाली दाल, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो तो हम ही समझते हैं जी, बिल्कुल। ये है क्या, बताओ तो असली। ये है भटके डुबके, ठीक है। इसका जो मजा है ना वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है जी। तुम्हारा लंच टाइम है, मैंने कहा दिखा देती हूँ, कभी कभार हम भी दिखा देंगे दोस्तों हम क्या खा रहे हैं। और ये चावल भी गांव घर वाले चावल है, अच्छे हो रहे, टेस्टी टेस्टी। और ये खीरा इतना टेस्टी है ना, आज खीरे की तारीफ में दो शब्द कह दो। खीरे की तारीफ में कोनी ने खीरा खरीदा तो अब तारीफ आप समझ सकते हो, खाने लायक नहीं होगा वो। चार पांच पीस खाए मैंने, कहा कड़वा है कड़वा है कड़वा है, पूरा ही कड़वा है इनकी तरह। चलो लेट्स खाना फाना। कहेगा नहीं साला, किया ना आपने भी। ये क्या है, क्या है ये? टमाटर। ये क्या है? गाजर। ये क्या है? ये प्याज। ये क्या है? कैप्सिकम। ये क्या है? कैरेट। और ये क्या है? कैरेट। ये टमेटो। टमेटो। ये क्या है? चिली। चिली। एक तारीफ करो पापा, बोलो तारीफ किस चीज की करनी। तो छुट्टी है समाप्ति की और आज सब कुछ बराबर करके आ गए। क्या लगाया मूंछों में अभी? अपनी शेविंग वगैरह हेयर कट करके आए, पापा से बोले पापा कैसा लग रहा है, पापा ने कहा बहुत अच्छा। बोलते तो रुको पापा अभी दो मिनट बाद तारीफ करना, भाग के गए और मूंछों में कुछ लगा के लेके आए अपना, वो खड़े करके मुझे। अब बोलते पापा अब तारीफ करो, अब तारीफ अब करो। खरीदी तारीफ, एक और तारीफ पापा, बेटा एक और तारीफ। बेटा मैं आपका पीछा कर रही हूँ दद्दू, बहुत बढ़िया दद्दू, हमेशा छोटी ही रहेगी। गई कहाँ? ये रही, उड़ रही है भैया। नहीं, नहीं, वो नहीं हो रही, पता है ये लता क्या ना थी, लता क्या मालूम, इसकी गलती है। ये कह रहे हो आप, या आप मानो आप फेल हो चुके हो एक मक्खी मारने में दद्दू, आप हो चुके हो, फेल हो गया ना। हाँ दोबारा उसको मिलेगी नहीं तुझे, नहीं तो मेरे को मिलेगी वो, मैं तेरे को प्रूफ के साथ दूंगा। ये है बड़े लंबे अरसे बाद आज पकोड़े खाने मिल रहे हैं दोस्तों, बड़ा टाइम बीता हमारी चाइनिका से आपकी मुलाकात नहीं, मिल लीजिए। आप मिस कर रहे होंगे ना चंदा को? हाँ मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे ना तुम। चंदा ने आजकल नया नया टैटू बनाया, चंदा दिखा, रुको बैक कैमरे से दिखा। टैटू आपने माना नहीं पर हमने आपका साथ हमेशा निभाया है और आज भी
गाड़ी धोने में तुम हमारा साथ निभाओगी। आप क्या बोल रहे हो? वही पाठक है जो यूट्यूब में जो है ब्लॉग बना के डालती है और आज जो है गाड़ी धुलने चल रही है हमारे साथ। अच्छा वैसे आपको एक चीज दिखानी थी, देखना चाहेंगे? चंदा दिखा दूं? हाँ पक्का? हाँ मुझे भी सरप्राइज मिला था। चंदा को भी सरप्राइज दे दिया हमने, आपको भी। टाडा 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 चंदा, मेरे लिए बड़ी सी क्या लेके आनी है? आप में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये जैसी दिखती हो तुम वैसी लगती नहीं हो। आज दिखेगी आपको ये ब्लॉग में। सच कहते हो आप। तो दोस्तों इस सीजन की ये हमारी आखिरी गाड़ी धोनी है, अब अगले सीजन में धोएंगे साथ में। हैं ब्रो? अब ठंडियों के सीजन में धोएंगे। और हाँ इस बात पे मेरे से आपसे चर्चा करनी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि आप जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, मतलब कुछ अलग दिखती हो आप, बनावटी दिखती हो आप। बनावटी मैं अपने घर वालों को भी दिखती हूँ। है ना दादू? क्योंकि तुम बनती हो। क्योंकि मैं बन, हम आजकल बहुत सरकाज़म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है ब्लॉग चलाने के लिए दादू। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बात करनी होती है कि जैसा सुनना चाहते हैं लोग। बट दोस्तों हम हैं ऐसे, क्या करें। झटके क्यों लग रहे हैं गाड़ी में भाई? ये झटके क्यों लग रहे हैं यार, मत लगो यार। लोग अपनी बहनों को घुमाने ले जाते हैं और ये मुझे गाड़ी धुलाने ले जाते हैं। नहीं मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा, झटके क्यों लगते हैं बोल ली तू, ठीक है? हाँ झटके यार, अगर इतने खराब रोड में नहीं लगेंगे तो अच्छे, वैसे खराब रोड में तो नहीं लगने चाहिए थे ना झटके। सही बात है, अच्छी रोड में तो चलो मान भी सकते हैं कि झटके लग रहे हैं करके। खैर दीदी से मैंने आपको मिलाया, अभी घर जाके मिलाऊंगी। हम लोग गाड़ी धोने जा रहे हैं, वो कुछ काम से जा रही थी, तो घर जाके मैं आपसे उसकी मुलाकात कराऊंगी। तो देखा आपने कहा ना, दीदी थी व्लॉग में, फिर दद्दू आए, अब दद्दू जा रहे तो फिर से दीदी आ गई। आप जितना जिसको मिस करते हो ना, मैं उनको बुला के ले आती हूँ। अब भाभी को भी लेके आऊंगी कुछ टाइम बाद, ठीक है? हाँ लेके आऊंगी ना। तुम ही लेके आओगे, हमसे तो आएंगे ना वो। पहुंच गए हैं हम यहाँ, अब धोते हैं गाड़ी। पता नहीं अनलॉक नहीं किया। हमारी गाड़ी किस दिन आती है? हमारी गाड़ी बताना नहीं। तो फटाफट हम गाड़ी साफ करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। शाम हो गई है क्योंकि। हाँ जी, सो हम आ गए हैं घर और इस व्लॉग को ये पे एंड करते हैं। आज व्लॉग थोड़ा छोटा है, कभी कभी चलता है ना, है ना दोस्त? चलता है ना? पक्का चलता है, चलाना पड़ेगा कभी कभी। कभी कभी चलाना पड़ेगा। तो आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सबसे जरूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। कल मिलते हैं, टाटा।